असली आई एम सो सॉरी, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो इतना सब कुछ करेगी। वो हम सबको बहुत तंग कर रही है, असली प्रॉब्लम वही है। मुझे सच में नहीं पता बसक मैम के इरादे क्या हैं। उन्होंने मुझे कोई दुख नहीं दिया, बस अपनी पहचान छिपाई। पर बुराक, उसने तो मेरी बात भी नहीं सुनी। उसने तो ये भी नहीं पूछा कि मैं उन्हें कैसे जानती हूँ। वो भी बहुत परेशान है, उसे भी दुख हो रहा होगा। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं वुल्कान। उसने मेरा यकीन नहीं किया, हमारे प्यार और भरोसे के कोई मायने नहीं है। प्लीज अब मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है, बात यही खत्म करो। जैसा तुम चाहो। कहो तो तुम्हें घर ले चलूं? नहीं, मैं ऐसी हालत में घर नहीं जा सकती। मुझे प्लीज बेकरी छोड़ दो। ओके। एदा, तुमसे एक जरूरी काम है। कुछ ठीक लग रहा है? ठीक नहीं हूं, पर हो जाऊंगी। देखो असल में मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तो प्लीज जब भी इच्छा हो मुझे कॉल कर लेना, जरा भी सोचना मत, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। प्लीज रो मत। आई एम सॉरी, पर आंसू नहीं रुक रहे मेरे। हलील जी, अच्छा हुआ जो आप आ गए, मुझे आपको गुड न्यूज देना है। क्या हुआ? आज बुराक सर आए थे यहाँ, हमने कुछ बातें भी की। उन्होंने कहा उनके पेरेंट्स मान गए और असल से मिलने की इजाजत ली। मैं मना नहीं कर पाई, आखिर मैं माँ हूँ ना, क्या करूँ। मैंने इजाजत दे दी। उसका दुख देखा नहीं जा रहा था मुझसे, इसलिए मैंने हाँ कर दिया। हलील जी, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है। प्लीज मुझे सच सच बताइए, कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता? नहीं मिस एमिल, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पता है कि बुराक सर असल के लिए क्या फील करते हैं, उन्होंने कितनी कोशिश की है। वो एकदम आपसे सुनकर ना मैं हैरान रह गया, सच कह रहा हूँ। असल बहुत दुखी थी और फिर मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैं मान गई। ये आपने अच्छा किया, हमें नौजवानों पर भरोसा करना चाहिए, उनके प्यार में सच्चाई होती है। हाँ इंशाल्लाह, उम्मीद है वो खुश रहेंगे। उम्मीद तो है मिस एमिल, उम्मीद तो है। आसल हनी, क्या बात है? तुम ऐसा तो नहीं सोचते हो ना कि ये सब जो भी हुआ है उसकी जिम्मेदार मैं हूं? हाँ, अगर आप इतना करीब नहीं होती उसके तो ये सब कभी नहीं हुआ होता। सुनो, अगर तुम्हें किसी को भी ब्लेम करना है तो तुम्हें खुद को ब्लेम करना चाहिए। तुमने आसल की बात सुने बिना ही उसे बहुत ही आसानी से जज कर लिया है। मुझे ब्लेम करके कुछ नहीं होगा बुराक। आपको लगा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा? मेरे पेरेंट्स को आपके बारे में पता चल गया था, आपने आसले से अपनी पहचान छुपा कर रखी, उसे बेवकूफ बनाया। मैं बस यही चाहती थी कि तुम दोनों के साथ वो ना हो जो मेरे और सिनान के साथ हुआ था। मैंने अपनी पहचान इसलिए छुपा कर रखी क्योंकि आसले को ये बिल्कुल मंजूर नहीं होता। अगर मैं उसे बता देती तो वो मेरा ऑफर कभी एक्सेप्ट नहीं करती। मैं नहीं चाहती थी कि आसले को तुम्हारे पेरेंट्स के सामने शर्मिंदा होना पड़े, समझ गए तुम? अब तो आपने और भी बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम अपने डैड जैसे होगे, पर मैं गलत थी। जब ईगो हर्ट होता है और अपने मन मुताबिक बात नहीं होती तब तुम भी बिल्कुल वही बन जाते हो, अपने डैड का दूसरा रूप। नहीं, मैं अपने डैड जैसा नहीं हूँ। अगर तुम डैड जैसे नहीं होते तो अपने रिलेशन का ख्याल रख के उस पर यकीन करते, डैड की बात नहीं मानते। मैंने सिर्फ डैड की बात नहीं मानी है, मैंने आप दोनों को साथ में देखा है। आप उसे पैसे दे रही थी उसके नए घर में, आप शॉपिंग से वापस आई तब भी मैंने देखा,
पर शायद मैं सब कुछ गलत समझ गया था। हाँ, तुमने सब कुछ गलत ही समझा। सुनो बुराक, असल ने कुछ नहीं किया है। और यही बात मुझे खाई जा रही है। मैंने बिना सोचे उसका दिल तोड़ दिया, उसे दुख दिया, अपने रिश्ते को बर्बाद कर दिया। असल से तुम कितना प्यार करते हो मैं जानती हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें इस सब का बहुत दुख है। सुनो, मुझे लगता है कि तुम्हें असल के पीछे जाना चाहिए। तुम्हें उसे साबित करना होगा कि तुम उससे कितना प्यार करते हो, और तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। जाओ उसके पास। बुराक इस बात को कैसे मान सकता है? क्या ब्रो, क्या किया तुमने? कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या वो तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता है? उसे कैसे नहीं पता कि तुम ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। अब वो मेरा ब्रो नहीं है। असल पर इल्जाम, मतलब हम पर इल्जाम। हाँ, सही कहा। थैंक यू सपोर्ट करने के लिए। माय डियर, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल असल, फ्रेंड्स फॉरएवर, चाहे जो कुछ भी हो जाए हम हैं तुम्हारे साथ। असल, एक मिनट, अब तुम एमएल आंटी से क्या कहने वाली हो? वो तो शॉक्ड हो जाएंगे। वही सोच रही हूँ मैं। मॉम ने हम पर भरोसा किया, अब वो बर्बाद हो जाएंगे। जरा सोचो, बुराक ने उनसे भी झूठ बोला। वो बहुत दुखी थी, शर्मिंदा थी, फिर भी उन्होंने मुझे बुराक से मिलने के लिए दिया, क्योंकि उन्हें हमारे प्यार पर यकीन था। नहीं असल, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तुम एमएल आंटी को सच नहीं बता सकती। मुझे लगता है तुम्हें कहना चाहिए कि तुम्हारी लड़ाई हुई है और उसकी वजह से तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। हाँ हाँ, ऐसा ही कहना चाहिए। बिल्कुल। अगर मॉम ने मेरा यकीन नहीं किया तो क्या करूँगी? अगर उन्होंने कहा कि छोटे मोटे झगड़े से प्यार खत्म थोड़ी होता है तो? एमएल आंटी ऐसा ही कहेंगी, पर मुझे कहना ही होगा, नहीं तो वो बहुत दुखी हो जाएगी। देखो स्वीटी, तुम भी तो दुखी हो। तुम्हारा भी दिल टूटा है, और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो कहते हैं ना, प्यार करो तो बहुत सोच समझ कर किया करो। असल, तुम बुराक से प्यार करने लगी, और प्यार तो अपने आप हो जाता है। वो कोई सोच समझ कर थोड़ी ना करता है। हाँ, प्यार सोच समझ कर नहीं किया जाता। देखो असल, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो प्लीज, जब भी इच्छा हो मुझे कॉल कर लेना, जरा भी सोचना मत, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। अगर मेरे साथ होती तो ऐसा कभी नहीं होता। मैं होने ही नहीं देता। आप मुझे माफ करना, आप ऐसी बात पे यकीन कैसे कर सकते हैं बुराक? मैं भी खुद से यही सवाल कर रहा हूं। मैं पागल हो जाऊंगा मिस्टर हलील। इसकी सिर्फ एक ही वजह हो सकती है। असल के प्यार ने आपको अंधा बना दिया है, और उसके साथ आपके पेरेंट्स की बातें, असल के साथ ब्रेकअप की बातें, जब सब कुछ एक साथ हुआ तो आप कंफ्यूज हो गए हैं ना? हाँ, उसके बारे में सोचकर ही पागल हो गया था। मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। मैं असल से इतना प्यार करता हूँ कि हर मिनट उससे दूर रहने पर मेरी नफरत बढ़ रही थी, और उस नफरत ने मुझमें जहर भर दिया। मैं आपको समझ सकता हूँ। प्यार में आदमी काफी सेंसिटिव हो जाता है, और जब आपको लगा कि असल ने आपको धोखा दिया है तो आपको बहुत दुख पहुंचा होगा, और उसी से आप कंफ्यूज हो गए। बचपन से ही मैं उस औरत के किस्से सुनता आया था कि कैसे उसने अंकल को बेवकूफ बनाया था और उनसे शादी की थी। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे उसके बारे में बताया है। वो हमारी जिंदगी में आ गई, और वो भी असल से मिलने के बाद। आसले से मिलना, बोधरूम के होटल में मुलाकात, उसकी मॉम का यहाँ कुक की तरह काम करना, और फिर उनका यहाँ रहना, आसले का बसक से मिलना। आप ऐसे कह रहे हो तो मुझे समझ में आ रहा है, पर ये सब इत्तफाक नहीं हो सकते, क्योंकि इत्तफाक जैसी कोई चीज होती नहीं है बुराक। ये तो किस्मत है, और असली ही तुम्हारी मंजिल है। पर मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। प्लीज बताओ मैं क्या करूं, कैसे उसे मनाऊं वापस, क्या कहूं मैं उससे? मुझे यकीन है कि असल भी बहुत दुखी है, और वो इतनी जल्दी आपको माफ नहीं करेगी। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है बुराक। मैं उसे जाने नहीं दूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। हाँ यही है, हार मत मानो। मैं आपको कॉल करता रहूंगा, और मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं वो जरूर करूंगा। ओके, अब मुझे यहां से चलना चाहिए।
ओके मिस्टर हलील, यहाँ आके मेरा दुख बांटने के लिए थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं बुराक। तुम मुझे नहीं जानते थे, तुम्हें मेरी कही बात पर यकीन नहीं था, फिर क्या हुआ? तुम्हें लगा मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, तुम्हें पछतावा होगा, पर मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। अब बहुत देर हो चुकी, अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे ऐसे मत देखो, मुझे उससे नफरत है, नफरत। मैं उससे कितनी नाराज हूं पर फिर भी इतना प्यार कैसे महसूस करती हूं। खुद पर काबू पाओ, भाई। यार दिमाग हिल गया है तुम्हारा, पागल हो गए हो क्या तुम? हाँ वो तो मैं हूं, जाने दो ना। दिमाग से पैदल हो गए हो तुम। ये रिलेशन से पहले तो बहुत स्मार्ट हुआ करते थे तुम, अब क्या हो गया तुम्हें? कोई बच्चा भी तुमसे ज्यादा अच्छी हरकतें करेगा। दिमाग ने काम करना बंद किया और दिल ने शुरू कर दिया, कुछ ऐसा हो गया मेरे साथ। असल क्या हो रहा है बेटा, मुझे नहीं बताओगी तुम? कोई बात नहीं है मॉम। ऐसे कैसे कह सकती हो असल, प्लीज बताओ ना, क्या बुराक ने तुम्हारा दिल तोड़ा? उसने तुम्हें निराश किया? उसने जो भी कहा वो झूठ था क्या? नहीं, बहुत कुछ हो गया, हम थक गए हैं इसलिए छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया हमारा, और इसलिए मेरा और बुराक का ब्रेकअप हो चुका है। कौन सी छोटी बात है बेटा, प्लीज बताओ मुझे। मॉम अभी कुछ नहीं बताना है प्लीज, मैं कल बता दूंगी ना, सच कह रही हूं। ठीक है अब सो जाओ। ठीक है। तो बताओ भाई अब आगे क्या करना है? पता नहीं, मैंने उससे बहुत कुछ कह दिया है, जो भी हो जाए वो मुझे माफ नहीं करेगी। तुम सही कह रहे हो, असली सब सुनना डिजर्व नहीं करती और तुम ये बात भूल गए थे। तुम सही कह रहे हो, वो मुझसे बेहतर इंसान डिजर्व करती है। एक और बात बताऊं, मैंने सबक सीख लिया है, समझ गया हूं कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो मेरी जिंदगी है। अगर उसने मुझे माफ किया तो मैं उससे शादी कर लूं। I really love her। तो चलो ठीक है मेरे भाई, एक जाम तुम्हारे प्यार के नाम। Thank you.
असलम, क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? एक अर्जेंट ऑर्डर आया था मॉम, बेकरी जा रही हूँ। अर्जेंट ऑर्डर आया है? तुम मुझे सच बताने के डर से भाग तो नहीं रही हो ना? मैं क्यों भागूंगी मॉम, मुझे जाना होगा ना, बाद में मिलती हूँ। ठीक है। बुरा की तस्वीर काट दी, इसका मतलब मामला काफी सीरियस है। प्लीज असलम, मुझसे सच मत छिपाओ बेटा। ओ, कैसे हो बोलका? मैं ठीक हूँ अंकल, कल रात को ही आया था मैं। बहुत दिनों से भाई के साथ वक्त नहीं गुजारा ना। अच्छी बात है। तुमने नाश्ता किया है बेटा कि नहीं किया? हाँ मैंने खा लिया आंटी, मैं बस अभी निकल ही रहा था, कॉलेज से पहले मुझे घर जाना है। तो ठीक है, मिलते हैं भाई। सी यू अंकल आंटी। सी यू हनी। सी यू बेटा। असलम ने कुछ नहीं किया डैड। क्या मतलब, फिर से बताओ। इसका मतलब कि मैंने उसका दिल तोड़ा, मैंने बेकार में उसे ब्लेम किया, इसका मतलब मैंने उसे खो दिया। मैं उसे बशाक से कैसे कंपेयर कर सकता हूँ? ओके बुराक, बस बहुत हुआ। नहीं डैड, बहुत नहीं हुआ। असलम को तो पता भी नहीं था कि बशाक है कौन। और तुमने उसकी बात मान ली है ना? बशाक ने भी वही कहा, असलम का दोष नहीं है। आपको ये सुनकर हैरानी होगी पर बशाक सिर्फ आसले की मदद करना चाहती थी। आपने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था, इसलिए उसे आसले से सिंपैथी थी और कुछ भी नहीं। वो तुम्हें बेवकूफ बना रहे बेटे, और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम इतने अंधे कैसे हो गए कि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? दिख तो शायद आपको नहीं रहा, आपने मुझे यकीन दिलाया कि आसले धोखेबाज है। आपने हमें अलग करवाने की पूरी कोशिश की, पर मैं उससे माफी मांगूंगा, उससे कहूंगा कि मुझसे दूर ना जाए, मैं उससे प्रपोज करूंगा डैड। इस बार मैं उसे खो नहीं सकता, और मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। सॉरी पर आप मुझे रोक नहीं पाएंगे। सुनो सुनो बेटा, वो तुमसे झूठ बोल रही है, प्लीज कोई गलती मत कर बैठना। मेरी असली गलती तो उसे खोना था मो। तुम्हारा पिता होने के नाते मैं ये तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं आपसे इजाजत नहीं मांग रहा हूँ डैड। और अगर तुमने मनमानी की तो मैं तुम्हें बेदखल कर दूंगा। निहाद, निहाद प्लीज ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, प्लीज मत कहो। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए डैड, थैंक यू। निहाद ये क्या कर दिया, क्या कर दिया तुमने? निहाद प्लीज उसे रोको, उससे कहो कि तुम ऐसा नहीं कहना चाहते थे, प्लीज कहो ना। मैं सीरियस हूँ सेल्डा, बस बहुत हो गया, मैंने बहुत सहन कर लिया, अब और नहीं। एमएल, तुम ठीक तो हो ना? हम ठीक है शुक्रान, असल भी ठीक है, तुम कैसी हो और वहाँ सब ठीक है? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। सब पहले जैसा है। उम्मीद है हमारी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है शुक्रान, मैं इसी बारे में सोचती रहती हूँ। नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, पर यहाँ के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये लोग हर वक्त बहस करते रहते हैं एमएल, मानो युद्ध का मैदान हो। सच कह रही हो तुम? हाँ बिल्कुल। अभी कुछ देर पहले बुराक सर का निहाद सर और सेल्डा मैम से बहुत बड़ा झगड़ा हो गया और वो गुस्से से निकल गए। तो उन्होंने अब तक असलम को एक्सेप्ट नहीं किया है?
नहीं पर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है हमें? मुझे ऐसा नहीं लगा शुक्रान। मैं तो बस ये कह रही थी शुक्रान, तुम घर आ जाओ फिर बात करेंगे, तुम बिजी होगी ना? ओके ओके एमएल। ओ तो इसलिए तुम इतनी दुखी थी मेरी बच्ची, मेरी असलम। बुराक, मेरी बेटी को दुख देकर तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। हेलो आसलुडियो, क्या हम बात कर सकते हैं प्लीज? बिल्कुल बैठिए। पहले तो मेरी वजह से हुई गलतफहमी के लिए मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। वोल्कान ने मुझे सब सच बताया और मुझे बहुत दुख है। मैं कभी बुराक और तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती थी। इनफैक्ट जब मुझे तुम्हारे प्यार के बारे में पता चला, मैं तुम लोगों की मदद करना चाहती थी। पर क्यों? क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे अपनी याद आती है। तुम्हें तो पता चल ही गया होगा मैं सिनान की एक्स वाइफ हूँ। मैं एक मिडिल क्लास परिवार में पली बढ़ी हूँ, इसलिए सिनान के परिवार ने कभी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। मैं बाहर वाली ही रही। मैं कभी नहीं चाहती थी कि तुम्हारे साथ वो सब हो जो मेरे साथ हुआ था। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती थी, इसीलिए मैंने अपनी पहचान छिपाई, क्योंकि मुझे लगा अगर तुम्हें मेरे बारे में पता चल जाता तो तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती। जो मैं कह रही हूँ वो बहुत अजीब लगेगा, पर इसीलिए मैं तुम्हारे करीब आई। अब मैं समझ सकती हूँ कि वो सब किसी काम का नहीं था, इसीलिए माफी चाहती हूँ तुमसे। मुझे पता है आप सच कह रही हैं। थैंक यू। पर अब शायद हम साथ में काम नहीं कर पाएंगे। आसलु प्लीज ऐसा मत कहो। मेरा मतलब अगर तुम हमारे बीच का रिश्ता खत्म कर दोगी तो उन्हें लगेगा कि ये सब सच था, हम सच में मिले हुए थे। ये सब सही नहीं होगा ना? लोग चाहे जो भी सोचे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बस अपने ही तय किए हुए रास्ते पर चलूंगी। ओके आसलु, तुम पर दबाव नहीं डालूंगी। तुम बहुत ही टैलेंटेड लेडी हो और तुम्हारे अपने उसूल भी है। तुम इसी तरह अपने रास्ते पर चलती रहो। ऑल द बेस्ट। आसल, यकीन नहीं होता तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं उसे नहीं छोड़ती। अगर वो सच भी कह रही है तो उसने जो कुछ भी किया वो बहुत बुरा किया। कौंजा, मैं अब और लोगों से झगड़ा नहीं करना चाहती, बस बहुत हो चुका। और मुझे लगता है वो सच कह रही है। उन्हें मैं उनके जैसी लगती हूँ और वो भी सही है। बुराक के पेरेंट्स ने उनके साथ बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव किया है और मैं उनके जैसा नहीं बनना चाहती। मैं लोगों से नफरत नहीं करना चाहती और मैं उनके जैसा नहीं बनना चाहती हूँ। मॉर्निंग। हे, गुड मॉर्निंग यू ऑल। गुड मॉर्निंग बेटा। हम कॉफी पी रहे हैं, तुम भी पियोगे? कॉफी तो नहीं पीनी लेकिन आपको ज्वाइन करना चाहूंगा। तुम रात को बुराक के साथ थे? हाँ, मैं वहीं था। तो प्रॉब्लम क्या है फिर? इस बार प्रॉब्लम असल और बशाक है। निहाद, उस लड़की ने हमारे बेटे को अंधा कर दिया है। निहाद, हमें उस पर चिल्लाना नहीं चाहिए बल्कि हमें उसे समझाना चाहिए। निहाद, मैंने समझाया था सेल्डा, तुम्हारे सामने समझाया था, पर मेरी बात मानने के बजाय वो उस लड़की की बात पर यकीन कर रहा है, तो क्या करें? मैंने बुराक के लिए क्या नहीं किया और तुमने क्या नहीं किया? वो जिंदगी के प्रति गैर जिम्मेदार था लेकिन फिर भी हमने सब कुछ बर्दाश्त किया और बदले में उसने हमें क्या दिया? बुरा बर्ताव, हमें पेट दिखाकर चला गया। अगर ऐसा है तो वो भाड़ में जा सके, मुझे फर्क नहीं पड़ता।
नहीं निहात, ऐसा मत कहो प्लीज, मुझे पता है तुम गुस्से में हो, तुम ये सब गुस्से में कह रहे हो, मत कहो, मुझे बुरा लग रहा है निहात, बहुत बुरा लग रहा है मुझे। सेल्डा, मुझ पर दबाव मत डालो वरना मैं तुम्हारा भी दिल तोड़ दूंगा। मैंने उनका ऑफर एक्सेप्ट ना करके अच्छा किया ना? हाँ बिल्कुल सही किया, उसे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे चाहे जो कुछ भी हो जाता, अगर वो झूठ नहीं बोलती तो तुम मेरे ब्रो के साथ सारी जिंदगी खुशी खुशी रह सकती थी। एर्दम प्लीज तुम उसका नाम भी मत लो। हाँ एर्दम, कितनी बार बताना पड़ेगा, कितनी बार वार्न किया है। ठीक है क्या करूँ, नाम निकल ही जाता है, सॉरी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या लगता है तुम्हें, तुमसे बात करने आया हूँ मैं? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, जाओ यहाँ से। ओके आसले, आई एम वेरी सॉरी, तुम जो चाहे कर सकती हो पर प्लीज ऐसा चुप मत रहो। मैं चुप नहीं हूँ, जो कहना था मैं कह चुकी हूँ। मुझे असले के लिए बहुत बुरा लग रहा है, उसने कुछ भी गलत नहीं किया फिर भी ये सब हुआ उसके साथ, बेचारी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, यकीन नहीं होता कि बशाक ने असला के साथ दोस्ती कर ली। ऐदा, बशाक ने तुम्हें इस बारे में कुछ बताया? नहीं डैन, मैं पहली बार ये सब सुन रही हूँ, मैं भी सुनकर शॉक्ड हूँ। अंकल आंटी दोनों ने ही असला के बारे में सच्चाई जाने बिना ही बुराक के सामने उसकी बुराई कर दी, और बुराक उसके लिए खुद को जिम्मेदार ठहरा रहा है, और जाहिर है कि वो उनसे बहुत गुस्सा है, और मैंने भी उन दोनों की बात मानकर गलती कर दी, लेकिन आखिर में साबित हो गया कि असली सच बोल रही थी। चलो बेटा, क्या तुम इस बारे में कुछ जानती हो? हाँ मुझे पता था, एक्चुअली सेल्डा आंटी ने मुझे इस बारे में बताया था। सेल्डा ने तुम्हें इस बारे में क्या बताया था? उसने दुख बांटने के लिए तो नहीं बुलाया होगा, कहीं वो तुम दोनों को साथ लाने का कोई प्लान तो नहीं बना रही? मॉम मुझे नहीं लगता कि ऐसी बात है। अगर कर भी रही है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, और तुम भी ये बात मान लो तो बहुत अच्छा होगा, आगे चलकर तुम दुखी तो नहीं होगी। मैं बुरा के साथ सुलह नहीं करना चाहती हूँ मॉम, तो बेहतर होगा कि आप अपना दिमाग शांत रखें। हर दिन कुछ ना कुछ होता है, क्या करूँ इस औरत का मैं? ठीक है मैं एक बार जाकर भाई से इसके बारे में बात कर लेता हूँ। ओके, मैं चलता हूँ। ओके हनी। मुझे भी ऑफिस जाना है, मैं भी निकलती हूँ। सी यू। मैं भी कॉलेज जा रही हूँ, सो सी यू। बुराक प्लीज चले जाओ यहाँ से। नहीं मैं नहीं जाने वाला। तो फिर मैं जा रही हूँ, मेरा कोट दो, बैग भी दो, दो जल्दी। आसले एक मिनट रुको, आसले। अरे बस करो, क्या कर रहे हो तुम, उसका पीछा करना बंद करो, वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। तुम भी मुझसे गुस्सा होना ब्रो। हाँ बिल्कुल हूँ, मुझे भी तुम्हें सबक सिखाना चाहिए था। सच कहता हूँ, अगर खुद पे भरोसा होता तो मैं खुद तुमसे दो दो हाथ करता, पर नहीं कर सकता, हार जाऊंगा मैं तुमसे, पता है मुझे। प्लीज ब्रो, तुम भी यही बात कर रहे हो, मैं बहुत अपसेट हूँ वैसे ही, मेरा अपने घर वालों से झगड़ा हुआ, घर छोड़कर आ गया हूँ मैं। तुमने घर छोड़ दिया, ऐसा क्यों किया ब्रो? अब लग रहा ना तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या हुआ, घर क्यों छोड़ दिया? बैठो ना। आसला तुम ठीक तो हो? मैं ठीक नहीं हूँ, उसे शर्म ही नहीं आती। ओके तुम शांत हो जाओ पहले। कैसे शांत हो जाऊं, वो मुझे कॉलेज में भी अकेला नहीं छोड़ता, मैं तो कॉलेज भी छोड़ दूंगी देखना। आसले कुछ भी मत कहो, कम ऑन। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट तुम प्लीज शांत हो जाओ, बैठो और वेट करो, जैसे ही वो जाएगा आयरदा हमें बता देगा, है ना? ठीक है ठीक है। तो अब तुम्हारे पास ना पैसा है ना घर है ना? अनफॉर्चुनेटली। अगर ऐसा है तो फिर अभी मैं तुमसे ज्यादा अमीर हूँ। हाँ शायद हो। क्या बात है, मतलब मुझे दुख है लेकिन एक पल के लिए मैं खुश भी। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि तुम अब कहाँ रुकोगे, क्या करोगे, तुम कैसे गुजारा होगा? कुछ पता नहीं ब्रो, मैं पार्क की बेंच पर सो जाऊंगा,
मैं बस चाहता हूँ कि आसले मुझे माफ कर दे। अरे आसला बहुत स्वाभिमानी लड़की है, वो इतनी जल्दी तुम्हें माफ नहीं करेगी। कोई नहीं, हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, हम साथ में दिमाग लगाते हैं, कोई रास्ता निकलेगा जरूर। थैंक्स ब्रो। है, अरे हाँ ब्रो, तुम मेरे घर पे रुक जाओ ना, मेरे पास एक रूम भी है। ओके ठीक है, थैंक्स अ लॉट ब्रो। अरे ब्रो अब तुम्हें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि ऐसा है ना कि जब तक तुम यहाँ हो लड़कियाँ वापस नहीं आने वाली हैं। ओके मैं कॉलेज में बात करता हूँ, शायद वहाँ बात हो जाए, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, जब मैं घर के लिए निकलूंगा तब तुम्हें कॉल करूंगा। ठीक है ठीक है, मिलते हैं। हाँ मिलते हैं। खबर सुनी कि नहीं तुमने, बशाक ने असल से दोस्ती की ताकि वो बुराक को कंट्रोल कर सके। ओ सिनान, उस लड़की ने मेरे बेटे की लाइफ खराब कर दी, हमारा सुख चैन सब छिन गया है, हम हर वक्त टेंशन में रहते हैं। भाई आसल को बशाक के बारे में कुछ नहीं पता था, बशाक को उनके रिश्ते के बारे में जब पता चला तो उसने मदद करनी चाहिए, बस इतना ही। हो सकता है कि आपको किसी और वजह से ये रिश्ता पसंद ना हो, पर आसल को बशाक से कुछ लेना देना नहीं है। मेरा मतलब आसल बेगुनाह है। मुझे सब कुछ नहीं मालूम सिनान, पर वो लड़की मेरे बेटे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं। सुनो बुराक पागल हो गया है, वो यहाँ आकर हमें धमकी देकर चला गया कि वो असल से शादी कर लेगा। सोचो जरा, शायद उसका चला जाना ही ठीक है, वो जो चाहे कर सकता है और मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ दिन बिना पैसों के बिना ऐशो आराम के घूमने दो, फिर उसे समझ आ जाएगी दुनिया की असलियत। भाई आसले एक अच्छी और डिसेंट लड़की है, आप उसे बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। वो हमारे लेवल की नहीं है, हमारी फैमिली के लिए ठीक नहीं है वो, हम सोच भी नहीं सकते कि हमारा बुराक उससे शादी करे। आप प्लीज अपनी नफरत को भूलकर बुराक की खुशी पर ध्यान दीजिए ना, आपके लिए ये बात इतनी जरूरी क्यों है? आप मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। अगर वोल्कान ऐसी लड़की से शादी करना चाहता है तो मैं उसे सपोर्ट करता, क्योंकि उसकी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। इस टॉपिक पर हम और बात नहीं कर सकते, हमने बहुत बात कर ली है, मुझे पहले ही बहुत गुस्सा आ रहा है, प्लीज बंद करो इसे। आसले कैसी हो तुम? ठीक हूँ, बैठो ना। तुम ठीक हो? हाँ थैंक्स। आसले हम बात कर सकते हैं प्लीज? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुमसे बात किए बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे बात नहीं करनी। ओके जैसी तुम्हारी मर्जी। बुराक प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। आसले नहीं, मैं तुमसे बात करूंगा, सिर्फ 5 मिनट चाहिए। उफ बुराक उफ। आसले बुराक अगर तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा तो मैं कॉलेज आना बंद कर दूंगी। सुनो मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, मुझे एक और मौका दो, सिर्फ तुम और मैं प्लीज। सब खत्म हो चुका है, अपना वक्त बर्बाद मत करो। आसले मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। छोड़ो मुझे, तुम समझते क्यों नहीं, सब खत्म हो चुका है। लगता है उनका बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ है और तुम अभी उनसे बदला लेना चाहती हो। मैं तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक सब कुछ राख ना हो जाए। असल तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारी कोई क्लास है? है पर मैं नहीं जाने वाली। वोल्कान एक काम करोगे प्लीज? जरूर। मेरा सामान क्लास में है, क्या तुम ले आओगे उसे? ठीक है मैं ले आता हूँ। Thank you.
एक मिनट। बुराक के साथ तुम्हारा रिलेशन ठीक नहीं चल रहा है ना? तुम्हें उससे क्या मतलब? अगर बुराक से तुम्हें बदला लेना है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। तुम दोनों एक नंबर के धोखेबाज और चालाक हो। मैंने बस पूछा। सोच लो, अगर फैसला बदलो तो बता देना। दफा हो जाए यहां से। बुराकिया क्या कर रहे हो तुम? वो क्या कह रहा था तुमसे? उससे तुम्हें क्या? हाँ, मैं सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। तो फिर खुद को मुझसे दूर रखो। सुनो भाई, उसे अकेला छोड़ दो, शांत हो जाने दो। मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी आसानी से हैंडल कर लोगी। कमाल हो तुम। जब तुमने सब प्रोसेस करके मुझे कॉल किया, मैं काफी सरप्राइज्ड हो गई थी। हमें काम के बारे में काफी बात करनी है, तो कहाँ से शुरू करें? मैंने तुम्हें काम की बात करने के लिए नहीं बुलाया है यहाँ पर। मुझे जानना है कि तुम्हारे और माजारोलोस के बीच में क्या मामला है। इस गुस्से और इस बदले के पीछे आखिर राज क्या छुपा हुआ है? मुझे नहीं लगता इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना है। तुम गलत समझ रही हो, क्योंकि तुम दोनों के बीच में मैं फंसी हुई हूँ और मैं ये सब डिजर्व नहीं करती, फिर भी मुझे ये सब सहन करना पड़ रहा है। सुनो, मैं दिन रात काम करके इस कंपनी को यहाँ तक पहुँचा चुकी हूँ। ये बिल्कुल आसान नहीं था, और अब जो हालात है वो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने भी बहुत कुछ सहा है, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर क्या करें उनके साथ तुम भी चपेटे में आ गई हो एल्चिन। हाँ, तुम्हें माजारोलो फैमिली से हिसाब बराबर करना है, पर मुझे ये समझ नहीं आया कि तुमने मेरी कंपनी के शेयर्स क्यों खरीदे। बताओ आखिर तुम मुझे क्यों दुखी देखना चाहती हो? बोलो। मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, प्लीज वो शेयर्स मुझे वापस भेज दो। तुम जो कीमत चाहोगी मैं देने को तैयार हूँ। नहीं। ओके, तो अगर यही तुम्हारा फैसला है तो कोई बात नहीं, पर भूलना मत इस छत के नीचे तुम कभी शांति से नहीं रह पाओगी। ठीक है, तो आज के बाद हम सिर्फ बिजनेस की बात करने के लिए ही मिलेंगे। ओके, हनी, क्या मुझे तुम्हारे भाई से इफ्तालिया बन के मंजूरी लेनी चाहिए? क्योंकि वो उसको बिल्कुल मना नहीं कर पाएगा। तुम वेडिंग ड्रेस भी क्यों नहीं पहन लेते हो आयदा? हैं? कुछ भी बोल रहे हो। पता नहीं गुंजा, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। एक बात बताऊं क्या? अगर उसने ना कह दिया तो? हाँ, तो फिर मैं तुम्हें अगवा कर लूंगा। हाँ, वही ठीक रहेगा। आयदा प्लीज शांत हो जाओ, वो तुम्हें मंजूरी दे देगा। हाँ बिल्कुल ठीक रहेगा, आखिर उसे मेरे जैसा जीजा जो मिल रहा है। हनी, वैसे तुम्हें मुझसे ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। मुझसे ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता तुम्हें। ओए मेरी प्यारी गुंजा। आयरदाम प्लीज कंट्रोल करो खुद को और भूलो मत उसने अभी हाँ नहीं कहा है। कुछ भी हो सकता है, समझ गए? इसलिए ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं। हाँ तुम ठीक कह रही हो, पर हम शादी जरूर करेंगे। हाँ, मैं अपने पेरेंट्स को यही बुला लूंगा, तुम अपने भाई से बात कर लेना और मैं उसे आशीर्वाद ले लूंगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या चल रहा है यहाँ? असल हम शादी कर रहे हैं। क्या? ओ बधाई हो तुम दोनों को। मुझे सुनकर कितनी खुशी हो रही है। तुम दोनों ने पहले क्यों नहीं बताया? बताने का मौका ही नहीं मिला। ये कितनी अच्छी बात है। एमएल, एमएल तुम यहाँ क्या कर रही हो? बुराक सर घर पे हैं,
मुझे उनसे बात करनी है। एमएल, आखिर बात क्या है? उन्हें मेरी बेटी से दूर रहना होगा शुक्रान, असल बहुत दुखी है, मुझसे सहन नहीं हो रहा। एमएल, मुझे भी बहुत दुख है, पर बुरा कभी घर पर नहीं है, वो बाहर गए हैं, मैं उनसे बाद में बात करूंगी। सेल्डा मैम अंदर हॉल में है, वो सुन लेंगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ आते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? जबान संभाल कर बात कीजिए सेल्डा मैम, अब मैं आपके लिए काम नहीं करती। बेटी गई तो अब जाल फेंकने माँ आ गई है ना? मुझे तुम्हारे पैसों से कोई लेना देना नहीं, तुम्हारे पास सब कुछ होगा पर लोगों से बात करने की तमीज नहीं है। न मैं न मेरी बेटी तुम्हारे पैसों के पीछे है, प्लीज मेरी बेटी की बुराई मत कीजिए। मैं यहाँ तुम्हारे बेटे को आगाह करने आई हूँ, उसे कहना मेरी बेटी से दूर रहे, नहीं तो बहुत बुरा होगा, इस बात को याद रखना। तुम उस औरत को यहाँ लाई थी ना शुक्रान, इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम इसे अंदर कैसे आने दे सकती हो? एमएल ने कोई गलती नहीं की है मैम। अब भी तुम उसी की तरफदारी कर रही हो, हद है बेशर्मी की। हाँ मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगी, वो मेरी दोस्त है ना एमएल, और ना ही असल ने कुछ बुरा किया है। ये सब जो हुआ है वो इसलिए क्योंकि आपने उनकी कद्र नहीं की। असल ने बहुत मना किया था पर बुराक ने एक नहीं सुनी। ये प्यार है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर आप प्यार को पैसों से तोलती हैं, और अगर ऐसा ही रहा तो आप अपने बेटे को खो देंगी मैम। शुक्रान तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, बोरिया बिस्तर बांधो और इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से। बिल्कुल, इतना सब होने के बाद मैं खुद भी यहाँ काम नहीं करना चाहती, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ। उसे लगा कि मुझे बेइज्जत कर सकती है। एमएल, एमएल, क्या हुआ शुक्रान, उसने गुस्से में तुम्हें निकाल तो नहीं दिया? नहीं, मैंने खुद नौकरी छोड़ दी और सुनाकर भी आई हूँ, कोई मेरी दोस्त की ऐसी बेइज्जती नहीं कर सकता। शुक्रिया दोस्त, मुझे दुख है कि मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी चली गई। प्लीज वो सब मत सोचो, हमें और नौकरियाँ मिल सकती हैं। चलो चलो। सही कह रही हो, वैसे सच में तमीज नहीं है। बिल्कुल। क्या हुआ मॉम, आप इतनी दुखी क्यों नजर आ रही हैं? मैं बहुत दुखी हूँ असलो। तुमने वादा किया था कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगी। बुराक ने तुम्हारे साथ क्या किया है तुम मुझे कब बताओगी? मॉम आपको कैसे पता चला? आज मैं बुराक से मिलने गई थी। क्या आप उनके घर गई थी? सेल्ला मैडम को भी ठीक करके आई हूँ। मॉम आपने ऐसा क्यों किया? मैंने ठीक किया, उन्होंने बहुत बेइज्जती कर ली हमारी, सिर्फ इसलिए कि उनके पास पैसे हैं। आखिर हम सब है तो इंसान ही ना, बुराक ने झूठ क्यों बोला? उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, उसे लगा हमें पता नहीं चलेगा। असल बताओ, तुम इसलिए दुखी थी ना, तुम मुझसे यही छिपा रही थी ना? हाँ, जैसे उसके झूठ के बारे में पता चला मैंने ब्रेकअप कर लिया, मैं फिर उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती और मैं फिर कभी उससे नहीं मिलने वाली हूँ मॉम। ठीक कह रही हो, मैं दुखी हूँ और गुस्से में भी हूँ, पर तुम गुस्सा मत करो, हम जिससे प्यार करते हैं उन्हें माफ करते हैं, गलती कोई भी कर सकता है। मुझे पता है कि पुराक ने तुमसे झूठ क्यों बोला होगा, वो तुम्हारा साथ चाहता है इसलिए, वैसे उसे ऐसा करना नहीं चाहिए था, पर कोई बात नहीं, आदमी ऐसा करते हैं। मुझे पता है तुम अभी उसे माफ नहीं कर पाओगी, तुम्हें थोड़ा वक्त चाहिए, पर ये लड़का तुमसे प्यार करता है इसलिए वो ये सब कर रहा है। मॉम मैं आपकी बात सुनकर सरप्राइज्ड हूँ। मुझे अब समझ आ गया है बेटा, मेरे लिए तुमसे ज्यादा जरूरी कोई भी नहीं है। मॉम आई लव यू सो मच। मैं भी, मेरी जान, मेरी बच्ची। असल मैं बस तुम्हारी खुशी चाहती हूँ और कुछ नहीं।
mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter.